हेलो भाई कैसे हो आप लोग सभी देखो हमने अभी तक क्या कर लिया था कोठारी कमीशन पर हम आ चुके थे हमने श्रीमती दुर्गा बाई देशमुख जिसमें चेयरपर्सन थी नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन ये हमारा कंप्लीट हो चुका था अब 1964-66 में कौन सा कोठारी कमीशन हुआ क्या था कि हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अभी तक आप देखोगे ना पिछले जितने भी कमीशन देखोगे कोई यूनिवर्सिटी कमीशन होगा कोई सेकेंडरी कमीशन होगा मतलब ऐसे पर्टिकुलर कमीशन शायद एक कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी डिजाइन करने के लिए कोई एजुकेशन कमीशन अभी तक नहीं बना था 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया एक कमीशन बनाया जिसको कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है चेयरमैन थे इनके डॉक्टर डी एस कोठारी इनका एम था कि भी जो हमारी नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन है ना उसको कैसे डिजाइन किया जाए और उसको डिजाइन करने के लिए एक मिनिमम सा प्रोग्राम निकाल के एक सजेशन के तौर पे ये कमीशन काम करने वाला था मेन फोकस या फिर जो थीम क्या था इसका वो था भाई प्रोमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई इस कोठारी कमीशन का जो थीम थी वो थी प्रोमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं जितना भी ये कमीशन की सजेशंस थी उनके बेसिक में पहली चीज यही थी कि भी हम जो बच्चों को पढ़ाए कहीं ना कहीं एक नेशनलिटी की भावना राष्ट्रवाद की भावना बच्चों में आनी चाहिए ठीक है यहां तक समझ आ गया सबको कमीशन मानता था कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है ना वो एक मेजर टूल के रूप में काम करे किस लिए सोशल रिकंस्ट्रक्शन ठीक है या फिर किसके लिए देखो यहां पर यह लिखा भी हुआ ना आप देख सकते हो एजुकेशन एज द मेजर टूल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन जो हमारे समाज में जाति पाती के नाम पे पर धर्म मजहब के नाम पे आज उद्दंडता मचाई जा रही है इसको कैसे ठीक किया जाए इसका बेस कहीं ना कहीं एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी डिजाइन की जाए जो समाज को इंटीग्रेट करके चले ठीक है ना इसलिए इसका जो मेन थीम रखेगी थी वो रखेगी थी प्रोमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन और लोगों में एक भावना जगे कि हम भी गवर्नमेंट के काम में कहीं ना कहीं भागीदार हैं हम सरकार के पीछे चलने वाले नहीं है हम सरकार के सहायक के रूप में काम करें समझ गई मेरी बात सभी को यहां तक अब आओ वापिस एक बार तो इसके लिए डॉक्टर डी एस कोठारी जी ने क्या किया था उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई क्या बनाई थी टास्क फोर्स बनाई देखो आप देखोगे ना यहां पे लिखा भी उन्होंने क्या बनाई भी एक टास्क फोर्स बनाई अलग अलग एजुकेशन सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जिसमें हायर एजुकेशन देखोगे टेक्निकल एजुकेशन देखोगे एग्रीकल्चर एजुकेशन या फिर जो अलग अलग जितने भी एजुकेशन सेक्टर आ जाते हैं उसके अलावा सेवन वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए जिससे वो स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स मान लो किसी को टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड में वोकेशनल एजुकेशन की फील्ड में प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको स्टडी करने के लिए उसकी रिपोर्ट गैदर करने के लिए कलेक्ट करने के लिए एक अलग से स्टडी ग्रुप बना दिया अब इन्होंने अपनी Observation के हिसाब से क्या -क्या recommendations थी? Recommendations क्या -क्या थी? ध्यान से क्या-क्या क्या-क्या ध्यान सुनना भाई, जो मैं आप आप वीडियो को करके एक बार पढ़ भी सकते उसको, और मैं एक-एक करके आप लोगों के लिए इसको हाईलाइट भी कराऊ फिलहाल यहां आया हुआ हूं मैं तो एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी मान लो हमने क्या किया एक टेंथ क्लास के बच्चे को क्या दे दिया एक कपड़ा दे दिया कि आपने यहां से यहां पहुंचाना है इसको ठीक है वही एक कॉलेज का बच्चा है जो एमए वगैरह कर चुका है उसको कह दिया अभी ये कपड़ा आपने यहाँ तक पहुँचाना है अब टेंथ वाला भी उतनी टाइम में पहुंचा रहा है या उसी इफेक्टिव एफिशिएंसी के साथ कर रहा है और कॉलेज वाला भी उसी एफिशिएंसी के साथ तो फर्क क्या रहा है इन दोनों में तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन ऐसी हो जो इन दोनों की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस लेके आ जाए मतलब ऐसा नहीं कि टेंथ वाले को नीचे ले आए इसका मतलब यह है कि कॉलेज वाले की एजुकेशन इतनी अच्छी हो कि वो अपने काम के साथ एफिशिएंटली डिलीवर कर पाए समझ में आई मेरी बात पहली बार एस को एक इंटीग्रल पार्ट बनाया गया हमारे जनरल एजुकेशन का मतलब कहीं ना कहीं हमारे अगर डेली हाँ, के आठ पीरियड लग रहे हैं तो एक पीरियड हमारा दो दिन में या तीन दिन में एक पीरियड हमारा एस यूपीडब्ल्यू का एस यूपीडब्ल्यू क्या होता है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क अब ये क्या होता है देखो कुछ काम ऐसे होते हैं हम एस यूपीडब्ल्यू जैसे आप के वी एस में आओगे ना वी में जब टीचर बन जाए तो एस यूपी डब्ल्यू के अलग से टीचर होते हैं यहां पे इसी तरह से अब इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो एक अलग चीज है लेकिन एसयूपीडब्ल्यू का एक अलग से टीचर होता है और इनका काम क्या होता है कि कुछ ऐसे इफेक्टिव काम बच्चों को सिखाना रिक्रिएशन के माध्यम से या फिर ताकि उनके काम में कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी एफिशेंटली डिलीवर हो पाए फिर आ जाता है वोकेशनलाइजिंग एजुकेशन बच्चों में ऐसा ना होगा भी अगर बच्चा ट्वेल्थ क्रॉस कर गया है तो उसको कुछ मतलब केवल रटे हुए फैक्ट एंड फिगर ही याद हो पाए उसको नहीं भी ऐसा ना हो उसको क्या हो अगर ट्वेल्थ में बच्चा आ गया ना और कल को इसको एक हफ्ते के लिए हम दस दिन के लिए हमने कहीं पे एक पे एक जगह छोड़ दिया तो ये अपना जीवन निर्वाह से कर ले इसको रेडी पे सामान बेचना में शर्म ना आए ठीक है इसको ये पता होना चाहिए कि सर मैं सिलाई का काम करता हूं तो मैं कहीं ना कहीं दस दिन कहीं सिलाई की दुकान पे अपना काम चला सकता हूँ तो ऐसी एजुकेशन हमारी एक समझ रहे हो वो चीज हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाए अब बताओ यहां तक समझ आई या नहीं सबको अब आगे सुनो भाई तो एजुकेशन फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि चाहे वो कल्चरल के रूप में हो चाहे वो कहते हैं एजुकेशन के रूप में हो हर तरह से हम नई नई चीजों को अडोप्ट करते चले जाएं डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड वैल्यूज एंड इसल स्किल्स बच्चा हमेशा डिपेंड ना रहे किसी के ऊपर वो कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रूमिंग करना जानता हो हर तरह के लोगों के लिए हर स्टेट ऑफ सोसाइटी ये ना हो कि अमीरों की ही एजुकेशन पॉलिसी के रह जाए हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी हो जो हर स्टेट ऑफ सोसाइटी मतलब चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो जो जितना चाहता है उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट डिलीवर कर पाए इतनी ही एसेसिबल हो वो ठीक है ये कुछ इनकी वो रिकमेंडेशन थी कोठारी कमीशन की इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस बनाई जाए एजुकेशन फॉर प्रोमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन जो मैंने अभी तक बताया इनके हर काम में आपको देखेगा कि जो इनकी रिकमेंडेशन थी वो कहीं ना कहीं सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को बेस बना के ऊपर बढ़ती चली गई है और हमारी हिंदी भाषा को एनरिच किया जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी एक जैसे आज आप देखोगे कि इंग्लिश एक बहुत बड़े लेवल पे काम निभा रही है तो उसको रिप्लेस करके हिंदी को दर्जा दिया जाए वो और फिर इसी की रिकमेंडेशन के ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी ना उसमें थ्री लैंग्वेज फार्मूला लागू करा गया था अब इसके बाद क्या हुआ था देखो एक बात ध्यान रखना मेरी थ्री लैंग्वेज फार्मूला ऐसा नहीं है कि पहली बार कोठारी कमीशन नहीं दिया था या पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में लागू हुआ था नहीं इससे पहले रिकमेंडेशन कई बार दी जा चुकी थी ठीक है ना 61 में भी दिया गया था 56 में भी दिया गया था उससे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का जिक्र हुआ था लेकिन अभी तक इफेक्टिवली वो कहीं ना कहीं भी लागू नहीं हो पाया था ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक रहा था फिर आ गया जाओ अब फिर आगे क्या था भाई एजुकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेशनल वैल्यूज ये कुछ इनकी ये सिंपल सी बात थी अभी तक की तो ये कुछ इनके रिकमेंडेशन थी जो अपने देश के सामने रखी थी इन्होंने क्या कहा था कि भी हमें ना एक कॉमन स्कूल सिस्टम बनाने की जरूरत है अब आप कहोगे सर ये तो नया टर्म आ गया ये सी ये क्या होता है सर देखो भाई सी होता है कॉमन स्कूल सिस्टम इसमें क्या होगा एंड फ्री एजुकेशन दी जा सके सभी को कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट के रूप में क्रीड के रूप में मजहब के रूप में स्टेटस के रूप में जैसे इन्होंने पहले कहा था ना कि किसी भी हर स्टेट ऑफ सोसाइटी के लिए इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज दी जाए ऐसी बात इसके बिहाफ पे इन्होंने कहा कि भाई कॉमन स्कूल सिस्टम हमारा शुरू कर देना चाहिए हमें तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा ध्यान में रखना इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि भाई हमें नेशनल जो क्या कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन है ना उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाए उसके अलावा गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लोकल या फिर एडिड स्कूल्स को एक जेनवन रूप में सहायता प्रदान करें मोटिवेट करे ताकि वो नेबरहुड स्कूल बन सके ताकि सभी के लिए वो इजिली एक्सेसिबल हो उसके अलावा इन्होंने क्या कहा अभी प्राइमरी लेवल पे हमेशा मदर टंग काम करेगी क्या काम करेगी मदर टंग रहेगी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ठीक है उसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि जो रीजनल लैंग्वेज है वो सेकेंडरी लेवल पे काम करे जो स्कूल इस बात को ना माने जो स्कूल इस बात को ना माने अगर वो गवर्नमेंट है तो तो मानेंगे मानेंगे कुछ एडिड स्कूल है जो इस बात को ना माने उनको लाइन पे लाने का काम सरकार का है उनकी एड बंद करी जाए उनको दबाव दिया जाए उन पर ताकि वो कहीं ना कहीं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रखें मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज किस टाइम पे सेकेंडरी स्टेज पे समझ आ गई सबको ये इसकी कुछ रिकमेंडेशन थी उसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम कि भी ऐसा नहीं है कि कॉमन स्कूल सिस्टम की आज ही सभी के लिए फ्री एक्सेसिबल हो जाएगा नहीं भी ऐसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो कैसे एप्लीकेबल होंगी ये सारी चीजें तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा कि भी दस साल का हम टाइम पीरियड दे सकते हैं उस हिसाब से आप कानून बनाना कि 10 साल का हम टाइम पीरियड दे सकते हैं अगर दस का नहीं ताकि कहीं दे 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 ना कहीं कर सकते हैं लागू करने में उससे हेल्प मिल जाएगी और जनरल या प्रोफेशनल एजुकेशन के कोर्सेज को इंटीग्रेटेड रूप में आगे बढ़ाया जाए लेकिन बड़े वो की बात है कि पचास साल बाद भी हम आज ये देख रहे हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी इतनी इफेक्टिवली लागू नहीं हो पाई है इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी क्या दी थी रिकमेंडेशन दी थी और इन रिकमेंडेशन के बिहाफ पे फिर अपनी 1968 में क्या आई थी भाई अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ठीक है ना कमीशन का काम क्या है रिकमेंडेशन देना और फिर उसके बिहाफ पे क्या आई भी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 समझ आ गई सबको 1968 में आ गई और इसने क्या कहा कि भी जो हमारा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है ना और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसको रीस्ट्रक्चर करना और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को बराबरी का दर्जा देना सबके लिए इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे काम होने की जरूरत है और यही एजुकेशन पॉलिसी थी जिसने किसके लिए रास्ते खोल दिए थे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टू द एज ऑफ फोर्टीन याद रखना ये वर्ड नहीं आया अभी तक फ्री अभी तक आया गोल ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन लेकिन कहीं ना कहीं ये हिडन वर्ड है एक तरह से कैसे कि भी जब कंपलसरी होगा तो गवर्नमेंट कोई भी चीज कंपल्सरी तभी कर सकते जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो या उसके पीछे कोई गवर्नमेंट एडिड कोई ऐसी चीज हो वो वर्डिंग आगे आ जाएगी इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं यहां पे अब आगे शुरू फिर आगे क्या आता है क्या क्या इसकी वो थी भाई क्या कहते हैं जो इस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें बाहर निकल के आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाइनटीन सिक्सटी एट में पहला आया हुआ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों को चौदह साल की उम्र तक क्या है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए ताकि हम कहीं ना कहीं वेस्टेज एंड हो इन स्कूल्स जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते स्कूल से फीस की वजह से या किसी भी वजह से बाहर रह जाते हैं उनको स्कूल में एनरोल करा के चौदह साल की एज तक उनकी बेसिक सी पढ़ाई तो एटलीस्ट हम करा पाए सेकेंड टीचर्स की एजुकेशन कैसी है उसको ठीक ठाक करना उसके अलावा टीचर्स की एक बात होता किसी की सैलरी अगर मान लो मेरी बेसिक मैं अब इतना तो कमा पाऊँ कम से कम मेरा घर चल जाए वो बातें ध्यान में रखना कि भी टीचर का स्टेटस के हिसाब से उसको एक डिसेंट सी सैलरी हो उसके डिसेंट से अलाउेंसीज हो फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेज उन्होंने क्या कहा था थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला सेकेंडरी स्टेज पे लागू कर दिया जाए याद रखना थ्री लैंग्वेज सेकेंडरी स्टेज पे लागू कर दिया जाए अब यहां पर आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं क्या कि आपने अभी गूगल पे जाना है और ये सर्च करना कि थ्री लैंग्वेज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है ठीक है ये आपका छोटा सा होमवर्क है मेरी तरफ से अभी लिख लो इसको और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और आपने ये देखा तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना यस सर तो मैं समझ आऊँगा कि हाँ आप ठीक ठाक आगे तक आ गए देखते देखते फिर आता है एक बच्चों के लिए या फिर सभी के लिए जो देखो यही आप यहाँ पर देखोगे ना तो आपको वही चीज़ें पता चलेंगे जो कोठारी कमीशन में रिकमेंडेशन दी गई थी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज सबके लिए इक्वल इक्वल हो ऐसा ना हो कि अमीर के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है गरीब के लिए बिल्कुल भी नहीं है या मिडिल क्लास बेचारा अपना पढ़ाई पूरा करता करता ही खत्म हो चुका है ऐसा ना हो सबके लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज बराबर हो यह पॉलिसी में ध्यान रखा गया दूसरा क्या था स्प्रेड ऑफ एजुकेशन ठीक है ना अब क्या था कि जो बड़े लेवल पे अब कुछ हमारे जो बड़े भाई बंधु होंगे वो बड़ी एज के हो चुके होंगे अब उनको पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करी जाए या उनको कैसे कहीं ना कहीं पढ़ाया जाए तो इसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ यहां पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ था लेकिन याद रखना नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम यह अभी नहीं आया था यह आया था 1986 में सेकेंड अक्टूबर 1986 में यह बात कही गई थी नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो आया था प्रोग्राम के रूप में पहली बार तभी आया था अभी मतलब क्या कहते हैं 68 में नहीं आया था 86 में आया था बाद में जाके फिर आओगे आगे फिर आता प्रोडक्शन ऑफ बुक्स बुक्स अब बच्चे तो पढ़ लेंगे भाई लेकिन बुक्स कैसी हो बुक्स की क्वालिटी हाई होनी चाहिए अच्छी खासी बच्चे एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान सकें उनको ऐसा ना हो कि उनका कोई खुद का इफेक्ट एंड फिगर ना हो मिले और उनकी कॉस्ट क्या हो ठीक ठाक कॉस्ट हो अपनी ताकि बच्चे उनको खरीद भी पाए गेम्स एंड स्पोर्ट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स को एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया जाए बच्चों का के करिकुलम का ऐसा ना हो कि महीने में दो ही पीरियड उनके स्पोर्ट्स के लग रहे हैं या फिर हफ्ते में एक ही पीरियड स्पोर्ट्स का लग रहा है ऐसा नहीं है मतलब इंटेंसिटी गेम्स एंड स्पोर्ट्स पीरियड की बढ़ाई जाए उसके अलावा पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कोरस्पॉन्डेंस जो कोर्सेज है ना लेकिन क्वालिटी दोनों एक जैसी डिलीवर कर पाए पार्ट टाइम का और क्या कहते हैं रेगुलर कोर्सेज हैं उनको कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड वे में या फिर कंपेरेटिवली इस तरह से डिजाइन किया जाए कि जो पार्ट टाइम करते हैं फिर कोरोस्पॉडेंट से जो एजुकेशन ले रहे हैं वो पीछे ना रह जाए समझ में आ गई सबको मेरी बात तो ये थी भी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 ठीक है अब कल हम करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 फिर इसके बाद होगा हमारा जो यशपाल कमेटी आई थी नाइनटीन तो भाई मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही बताना है क्लास आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे सजेशन दिया करो भाई आप लोग अगर सजेशन नहीं दोगे तो फिर मैं कैसे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा तो प्लीज़ बड़े ध्यान से देखा करो जो भी आपका फीडबैक हो अच्छा हो बुरा हो जो भी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करो और अपने दोस्त दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्होंने ये वीडियो पहली है भाई वो आप एक बार मेरे प्ले में जाके देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा बहुत सारी मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं एन के ऊपर आप प्लीज उन्हें देखना ठीक है और हमारे व्लॉग्स तो आते ही रहते हैं वो भी देखते रहना आप बाय बाय सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑल द बेस्ट भारत की जय